हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल भुपिंदर गार्डन में। आज मैं लेकर आई हूँ ये खूबसूरत कलेंचो, देसी कलेंचो, जिसमें कि रेड कलर के फ्लावर लगते हैं। मेरे पास इसका एक प्लांट था, देखिए देखिए, जो इस गमले में था, और मैंने कटिंग से और पत्तियों से इसके बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और पत्ती से भी। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, यही इस प्लांट की खास बात है। हालांकि जो हाइब्रिड प्लांट जो होता है, उससे थोड़ा प्रोपोगेशन उसकी थोड़ी मुश्किल है, और उसे एक बार आप ले आए अपने घर में तो फिर उसे गर्मी में बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच जाता है हालांकि, लेकिन मुश्किल है बचाना, खराब हो जाता है। लेकिन ये प्लांट जो है, इससे तो इजी टू ग्रो प्लांट है। और देखिए, मेरी इस कटिंग में बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लांट है, जो कि इजी टू ग्रो है। इसके जो फ्लावर होते हैं, वो भी बहुत ही हार्डी होते हैं, काफ़ी समय तक बने रहते हैं। आप इस प्लांट को किसी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को किसी को कवर करना है वो आपको किसी एरिया को, तो आप इसे वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि फ्लावर तो है ही, लेकिन पत्तियाँ भी खूबसूरत हैं। ये जो प्लांट है, ये मतलब इसे थोड़ा आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई ज़्यादा कोई हाई फीडर प्लांट नहीं है। ये देसी क्लाइंट जो है, ये इसकी प्रोपेगेशन बहुत ईजी है। ये देखिए, इसे थोड़ा बिल्कुल शेड एरिया में रख दिया था, तो इस तरह से इसकी जो लैगी सी हो गई है, इसकी ब्रांच मतलब दूर दूर तक इसकी पत्तियाँ हो गई हैं। लेकिन ये धूप में था, जैसे कि 4 घंटे की कम से कम धूप मिले। हालांकि फुल सनलाइट में भी ग्रो हो जाता है, लेकिन 4 घंटे की धूप तो चाहिए ही इस प्लांट को, तभी इसमें अच्छी से फ्लावरिंग होगी। और जो ये प्लांट है, इसे नाइट जो नाइट पीरियड है, वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब जब सर्दियों में नाइट जो रातें ज़्यादा लंबी होती हैं, उस वक्त इसमें फ्लावरिंग लगती है। जो नाइट पीरियड है, इसको ज़्यादा चाहिए होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ, जो कि मोटी सी है, जिसमें पानी स्टोर रहता है। आप पत्ती को टच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट जो है, वो एक सेकुलर फैमिली से है। देखिए, पानी ही पानी, तो इसे साफ पता चलता है कि इस प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उससे तो ये गल जाएगा, इसके रूट जो है वो गल जाएंगे। तो आप इसकी मिट्टी बहुत सारी वेल्डन बनाइए, जिसमें कि रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए, और जब ऊपर की लेयर सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें। अदरवाइज आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना है आपको इस बात का। ये जो प्लांट है, ये मतलब जो दूसरा प्लांट होता है हाइब्रिड, उसे बचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस प्लांट को आप आसानी से बचा सकते हैं। जो नाइट पीरियड है, वो भी उस प्लांट को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसको भी चाहिए है, लेकिन उसको कम से कम 14 घंटे का नाइट पीरियड चाहिए, उसी में वो फ्लावरिंग करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये देखिए, ये मैंने इसमें भी लगाया है कटिंग, और बहुत अच्छे से ये कटिंग चली है, देखिए फ्लावर भी हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे नाइट पीरियड की। जो हाइब्रिड बिन का मतलब जो हाइब्रिड सॉरी क्लेंचो होता है, उसे नाइट पीरियड, कई बार क्या होता है कि गत्ते की एक पेटी से उस पर ढककर अंधेरा करते हैं, ताकि उसको जो नाइट पीरियड है, 14 घंटे का कम से कम मिले, तो अच्छे से वो चलता है। लेकिन ये तो इजी टू ग्रो प्लांट है, कोई हाई फीडर प्लांट नहीं है, कोई सिंपल आप घर की खाद इसमें 20 दिन के बाद लेकर डाल सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आए हैं, तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड करें। सालों साल आपके गार्डन में ये बना रहेगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखें।